अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10x प्लस 25y, जिसे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज करना है इन कंस्ट्रेंट्स के होते हुए। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाली जो मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपके टेक्स्ट बुक में ये कॉमन नहीं दिया है और ये जो जीरो है ना एकदम 3 के पास में लिखा हुआ है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो 30 है, लेकिन वो 30 नहीं है। यहाँ पे कॉमा आएगा तो इसको आप प्लीज सही करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। जो x का वैल्यू है ना, ये 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा है और 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी y क्या है, y 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है और 3 से छोटा या फिर 3 के इक्वल है। मतलब ये जो स्टार्टिंग में दिया है ना, ये और ये दोनों आपके क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। यही तो होता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, फिर आपका ये अगला कंस्टेंट है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनाना है। पहला कॉलम किसके लिए, इन इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए, तीसरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b विच इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट, और चौथा पांचवा रीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इन इक्वेशंस लिखते हैं। तो कौन कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, y इज लेस देन और इक्वल टू 3, फिर x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। अभी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ भी नहीं, इस तरीके से आप इन दोनों का कर दो। और यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 है ना तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1। अभी इंटरसेप्ट लिखना है तो इसमें आप इस तरीके से डैश कर दीजिए। यहाँ पर बताइए x इंटरसेप्ट क्या होगा, x के नीचे क्या है 5 और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y के नीचे क्या है 5। रीजन कैसे पता लगाएंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ओरिजिन साइड, अगर फॉल्स हुआ तो नॉन ओरिजिन साइड, राइट। अभी सुनिए यहाँ पर क्या है, देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 3, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो क्या 0 3 से छोटा होता है, तो जी हाँ होता है। मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इट मीन्स इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिन साइड। ओके, नेक्स्ट इसके प्लेस पे आप 0 रखो, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, x के प्लेस पे 0 पुट किया, y के प्लेस पे 0, 0 प्लस 0 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, इज इट ट्रू। ट्रू है क्या ये, 0 5 से छोटा होता है, तो होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओरिजिन साइड। ओके, अब आपको क्या करना है, तो ग्राफ बनाना है जैसा कि आप लोग करते हो हमेशा। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, यहाँ पर आएगा x डैश, यहाँ पर आएगा y डैश। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम y पे 5 है, x पे 5 है ना, तो 5 पास जाएंगे तो भी चलेगा, वैसे 6 7 थोड़ा आगे भी चले जाएंगे है ना तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, अभी देखिएगा हम लोग यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3, मतलब x एक्सिस के ऊपर 3। ओके, तो ये लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी सीधी सी, चलिए खींच देते हैं, सीधी सी लाइन हम लोग खींच देते हैं। वैसे आपने ये ना 11th स्टैंडर्ड में और उसके पहले के क्लासेस में भी सीखा है, 9th स्टैंडर्ड में भी, x इज इक्वल टू 3, फिर क्या है, y इज इक्वल टू 3, यानी इस तरीके से ये लाइन आएगा। अभी जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत टाइम पास हो गया है ना, अभी फास्ट फास्ट करेंगे। अरे ये लाइन तो टेढ़ी हो गई, रुकिए रुकिए मैं सीधा खींचती हूँ फटाक से।
ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली, इसका इक्वेशन लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी ये वाला जो लाइन है इसका रीजन क्या होगा, ओरिजिन साइड है ना, y इज इक्वल टू 3 का ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब क्या, ऊपर की नीचे, नीचे यानी ये लाइन कहती है मैं इधर जाऊंगी और ये वाली लाइन क्या कहती है, इधर की इधर, ओरिजिन साइड है ना, x इज इक्वल टू 3 ओरिजिन साइड यानी इस साइड, ये लाइन कहती है मैं इधर आऊंगी। ठीक है, अभी एक और लाइन बाकी है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, तो यहाँ पर देखिएगा x इंटरसेप्ट 5 y इंटरसेप्ट 5 यानी ये जो लाइन होगी ये x को 5 पे इंटरसेक्ट करेगी और y को भी 5 पे ही, राइट। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने खींच दी, इसका इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस, थोड़ा इधर लिखते हैं x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। ओके, ये लाइन का शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड, तो क्या है यहाँ पे, ओरिजिन साइड। अब ओरिजिन साइड मतलब इधर के इधर इधर है ना, ओरिजिन मतलब देखो ये है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन साइड बोला मतलब इधर। ओके, अभी ये लाइन कहती है मैं इधर जाऊंगी, तो बताइए यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन क्या होगा। कॉमन का मतलब क्या, बार बार मैंने बोला है तीनों लाइंस के शेडेड रीजन उसमें आने चाहिए, ठीक है, तो तीनों के, तीनों लाइंस के शेडेड रीजन कौन से पोर्शन में आ रहे, देखिए ध्यान से, ये लाइन कहता है मैं इधर आऊंगा, इसने बोला मैं इधर, इसने बोला मैं इधर, तो तीनों का कॉमन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। तो इसको आप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए, पता है ना आपको, इस तरीके से देखिए मैं करती हूँ, और इन सभी को मिटा दीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ओ है, कोऑर्डिनेट क्या, 0, 0 यहाँ पर लिख दीजिए, ए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस पे 3 और एक्स एक्सिस पे नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं बी, ठीक है, पॉइंट बी, इससे होकर के कौन से दो लाइंस जा रही है, एक तो ये वाली दूसरी ये वाली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ये लाइन में वाई का वैल्यू है 3, तो इसमें आप वाई का वैल्यू 3 पुट करो इस इक्वेशन में, ये लाइन के इक्वेशन में, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, है ना, अगर वाई का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 मिलेगा, है ना, देखो 3 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको नाम देते हैं c और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y का वैल्यू क्या होगा, तो इस लाइन के इक्वेशन में x का वैल्यू आप पुट करो 3 तो y का वैल्यू मिलेगा आपको 2, ठीक है, समझ में आया, और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0। ओके, समझ में आया आपको, और एक चीज़ हम लिखना यहाँ पर भूल गए हैं, क्या भूले हैं, स्केल, ठीक है, भूलना नहीं आपको, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो ये आपका ग्राफ बनकर के तैयार हो गया है, अभी आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है और फिर उसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स आप लोग को मिले हुए हैं उनको ये वाला जो मैक्सिमाइज है मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें एक्स और वाई के वैल्यूज को पुट करेंगे और जिसका वैल्यू, ठीक है, जिस पॉइंट पे जेड का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे द कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन क्या है, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन, ये क्या हो जाएगा आपका, फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस लिख दीजिए
ओ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0, 0, फिर ए कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0, 3, उसके बाद बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, फिर सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 2, और लास्ट में डी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 0। ओके समझ में आया आपको। अभी हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना देंगे इस प्रकार से। क्या आता है यहाँ पे, वर्टाइसेस यानी x, y, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है z, क्या है आपका z, 10x+25y। ओके लिखते हैं पॉइंट ए 0, 3, इसको भी लिखेंगे अभी, बी है 2, 3, सी है यहाँ पे 3, 2, डी है 3, 0 और ओ है 0, 0। ओके अभी वैल्यूज रखते हैं एक्स और वाई का, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3। तो अगर मैं इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट करूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 25, 3 से क्या होता है 75, यहाँ पर लिख देते हैं 75। ओके अभी यहाँ पे क्या होगा, तो 10, 2, 20 और 25, 3, 75, 75+20 कितना होगा, 70, 80, 90, 95, यहाँ पर लिखते हैं 95। फिर 10, 3, 30, 25, 2, 50, 30 और 50, 80, यहाँ पर लिख देते 80। फिर 10, 3, 30 और यहाँ पे 0, मतलब क्या आएगा 30 और 0, 0, 0, ठीक है। तो z का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट पे हमको मिल रहा है, पॉइंट बी पे, है ना। देखो पॉइंट बी पे 95 मिल रहा है, इट मीन्स एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 95, ठीक है। कौन से पॉइंट पे ये अकर हो रहा है, तो पॉइंट बी पे यहाँ पर लिखेंगे अकर्स एट विच पॉइंट, पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। समझ में आया आपको, तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, देखिए इसको। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इन कंस्टेंट्स के साथ, मतलब ये सारे कंडीशंस होते हुए आपको जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, वही अपना पुराना वाला टेबल, 5 कॉलम्स, पहला इन इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा इंटरसेप्ट और 5वां रीजन, ठीक है। तो इन इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशंस को उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। पहला इन इक्वेशन क्या है, x+4y <= 24। दूसरा इन इक्वेशन है 3x+y <= 21। और तीसरा इन इक्वेशन है x+y <= 9, ठीक है। अभी इक्वेशंस लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, x+4y = 24, 3x+y = 21, x+y = 9, ठीक है। अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 24, तो हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा x/24+, यहाँ पर क्या आएगा देखिए 4y/24, तो 4 × 4 और 4 × 6 क्या होता है 24, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा y/6 इज इक्वल टू 24 से 24 कैंसिल, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट भी लिख देते हैं, तो इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होगा 24, y इंटरसेप्ट क्या होगा 6, रीजन, चलो रीजन बाद में लिखेंगे। अभी यहाँ पर इस इक्वेशन का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है 21, यानी हर एक टर्म को हम डिवाइड कर देंगे 21 से, ठीक है। तो अगर 3x/21 में लिखती हूँ तो क्या होगा, देखिए 3 यहाँ पे
कुछ तो पॉइंट में आंसर आएगा क्या? नहीं, 3 7 से क्या होता है 21, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 21 और यहाँ पर 1, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होगा 7 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 21, ओके। अभी इसको भी हम लोग ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, देखिए x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ पर 1 लाने के लिए हर एक टर्म को 9 से डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ पर करते तो नहीं चलता है क्योंकि ये रूल होता है, अगर आपने इधर किया तो इधर भी आपको करना ही पड़ेगा, ओके। अभी यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 और y इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अभी हमको शेडेड रीजन बताना है, तो शेडेड रीजन हम कैसे पता लगाते हैं, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अगर ट्रू आया तो ओरिजिन साइड, अगर फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू आप 0 पुट करो, y का भी 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24, इज इट ट्रू, यस ये तो ट्रू है, मतलब इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओरिजिन साइड, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 21, ट्रू है क्या, तो जी हाँ ट्रू है, मतलब इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, यहाँ पर लिख देते हैं ओरिजिन साइड, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, बताइए क्या ये ट्रू है, तो हाँ ये भी ट्रू है, मतलब इसका भी शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओरिजिन साइड, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, अभी हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो ये देखिए ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। अभी हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम स्केल कितना लेंगे, मतलब डिस्टेंस कितने का लेंगे, वैसे तो हम 1 1 लेते थे हो जाता था, लेकिन यहाँ पर देखो तो 24 है, x पे 24 है और y पे 21 तक गया है, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, तो 3 3 का डिस्टेंस लेंगे, यानी स्केल क्या होगा यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस में हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट लेंगे। अभी तक हम 1 यूनिट ले रहे थे क्योंकि उससे हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी हमको 3 यूनिट लेना पड़ेगा। आप ही सोचिए ना, अगर आप एक एक यूनिट लेते जाओगे तो 24 तक गया है, मतलब आपका ग्राफ कितना बड़ा बनेगा, तो इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है, छोटा ही बनाना है, तो 3 यूनिट हम लेंगे। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 3, फिर 6, टेबल लिख दीजिए 3 का, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ट्वेंटी सेवन, क्या हमको इसके आगे जाना पड़ेगा, तो नहीं, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है 24, यानी वो जो लाइन रहेगी ना वो एक्स एक्सिस को 24 पे टच करेगी और वाई एक्सिस को 6 पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम एक लाइन खींच देते हैं फटाक से, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, इसका इक्वेशन लिख देते हैं एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। अभी देखिएगा इसका शेडेड रीजन क्या है, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब क्या, इधर, यानी इस साइड, ठीक है, क्लियर है आपको, इतना समझ में आया। अभी इस लाइन का, इस इक्वेशन का लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है 7, यानी ये वाली जो लाइन रहेगी ना वो एक्स एक्सिस को 7 पे टच करेगी, 7 मतलब 6 के बाद 7, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, और वाई पर 21 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, थोड़ा नीचे तक जाते हैं और थोड़ा ऊपर तक, ठीक, इसका इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब इधर, ठीक है, ये लाइन बोलती है कि मैं इधर जाऊंगी, मुझे इधर नहीं जाना, इधर जाना है, ठीक है। अब उसके बाद इस इक्वेशन का लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट है 9 मतलब यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट भी है 9 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो
तो अभी ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, ये लीजिए लाइन हमने खींच दी। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसका शेडेड रीजन किधर होगा, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड मतलब इधर, ठीक है। तो अभी कॉमन शेडेड रीजन आपको क्या मिल रहा है बताइए, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए ये लाइन क्या कहती है, मैं इधर आऊंगी, ठीक है, ये लाइन ने बोला इधर, ये लाइन भी कहती है मैं इधर ही आऊंगी, और ये लाइन भी बोलता है कि मैं इधर ही आऊंगी, ठीक है। तो कहाँ पे हमको कॉमन रीजन मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही है ना। देखिए ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे ये वाले लाइन का भी शेडेड रीजन आ रहा है, और यहाँ पर ये वाली लाइन का भी आ रहा है, ये वाली लाइन का, और इसी में ये वाली लाइन का भी शेडेड रीजन आ रहा है, यानी तीनों लाइन का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन रीजन, राइट, मतलब फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको शेड कर देंगे। अभी जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, इसी पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे हमको हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जेड मैक्सिमाइज होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट ओ, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, ये है आपका ओ 0,0, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है पॉइंट ए, ठीक है, मैं थोड़ा दूर करके लिखती हूँ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6, ठीक है। फिर ए हो गया और ये हो गया बी, देखिए थोड़ा दूर करके लिखती हूँ बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता ही नहीं, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, बस बी लिख करके छोड़ दो, कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है। और फिर एक और पॉइंट हमको मिला है, यहाँ पर देखिएगा ये रहा, ठीक है, पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको निकालने पड़ेंगे। और ये वाला पॉइंट हमको मिला है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसको नाम दे देते हैं डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे 7, ये 7 था, और वाई एक्सिस पे 0, यानी 7,0, ठीक है, समझ में आया आपको। अभी सुनिएगा, हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बड़ा ही आसान है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यहां पर हम ये लिखेंगे द कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन क्या है, ओ ए बी सी और डी, ये था पॉइंट डी, है ना, ओ ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन, ओके। ये क्या हो गया आपका फिजिबल रीजन हो गया, तो यहां पर लिख देते हैं फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस ओ, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, फिर ए, कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर देखिएगा 0,6, फिर बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, तो एक्स और वाई लिख दीजिए, फिर सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको नहीं पता, फाइंड करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या है डी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 7,0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड बी एक्स कॉमा वाई, ये हमको कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपका पॉइंट बी है, इसके ऊपर कौन से दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये वाली लाइन, इस इक्वेशन की लाइन, और दूसरा ये वाले इक्वेशन का लाइन, है ना, देखो ध्यान से, ये वाले इक्वेशन का लाइन और ये वाले इक्वेशन का लाइन, मतलब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को साथ मिलेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन्स है, पहली लाइन ये वाली एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9, ओके, ये आपका इक्वेशन वन, और दूसरा लाइन है ये वाला, है ना, एक्स प्लस फोर वाई विच इज इक्वल टू 24, ये हो गया आपका इक्वेशन टू। अभी आप क्या करोगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, जिससे आपको एक्स और वाई इन दोनों के वैल्यूज मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, अलग से इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यूज लिख देंगे, ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं,
क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से पहले वाले को माइनस करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 24 माइनस 9 करिए, 24 माइनस 9 14 में से 9 जाएगा तो 5 यहाँ पे हो गए 15 आ गया, फिर 4y माइनस वाई क्या आएगा यहाँ पे 3y, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 को उधर ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 5 15, मतलब यहाँ पर लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो y का वैल्यू हमको 5 मिल रहा है। अब y का वैल्यू यहाँ पर आप 5 पुट करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी 4, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 मिला, x का वैल्यू 4 मिला, यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको रफ में पूरा सॉल्व करो और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखो, ओके। चलो पॉइंट बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमको सी करना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको नहीं पता। अभी देखिएगा ये जो सी है, पॉइंट सी, यहाँ पर कौन से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये वाला लाइन और दूसरा ये वाला लाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी इज द पॉइंट ऑफ, इज द जो यहाँ पे लिखा था ना वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन देखो, एक तो ये वाला इक्वेशन है और दूसरा ये वाला, मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, ये इक्वेशन है ना, हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं, अलग से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1, अरे 1 और 2 तो लिया था ना, इसको 3 और 4 करो, 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y के कौन कौन से वैल्यूज मिलेंगे, चलिए करते हैं, क्या करें, तो 4 में से 3 को माइनस करते, ओके। तो 21 माइनस 9 करिए, 21 माइनस 9 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1, कितना आया 12, 12 ही आएगा, ओके। फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, y माइनस y करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस x करेंगे तो 2x, 2 को उधर ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 6 12, मतलब x का वैल्यू हमको 6 मिलेगा, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये उधर जाएगा, 9 माइनस 6 किया तो 3, यानी y का वैल्यू क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x और y के वैल्यूज मिल चुके हैं, यानी पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर पॉइंट C और इसके कोऑर्डिनेट्स 6, 3, ओके, समझ में आया आपको, आसान है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हम लोग z को मतलब z का वैल्यू निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्टाइसेस, एक्स कॉमा वाई, फिर जेड, जेड क्या है 3x प्लस 5y, सबसे पहला पॉइंट है ओ, कोऑर्डिनेट से 0 0 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, उसके बाद ए है कोऑर्डिनेट से 0, 6, यहाँ पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 30, फिर बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो 4, 5, यहाँ पे 4 रखो, 3 4 12 हो जाएगा, 5 5 25, 25 प्लस 12 37, यहाँ पर लिख देते हैं 37। बी के बाद सी आता है, तो सी कोऑर्डिनेट्स है 6, 3, यहाँ पर रखिए 6 और यहाँ पर रखिए 3, तो 6 3 18, 5 3 15, 8 और 5 13, और यहाँ पर 33, ठीक है, क्या आ गया
33, ए बी सी और डी। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स 7, 0। तो यहाँ पर 7 रखिए, 3 7 21 और 5 0 0, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 21। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको किस पॉइंट पे मिला है, तो पॉइंट बी पे। देखो हर बार हमको पॉइंट बी पे ही मिल रहा है ना, पॉइंट बी पे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 5, यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इसी पॉइंट पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी कि जेड, वो क्या होगा मैक्सिमाइज होगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, हम लिखेंगे कि द मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 37। ठीक है, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पर लिखते हैं अकर्स अकर्स एट पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो 4 and 5, दैट इज जब एक्स होगा 4 और वाई होगा 5, तभी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज। समझ में आया आपको, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अभी इसके बाद कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो 3 और क्वेश्चंस हैं, 6, 7 और 8। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद बचे हुए 3 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 7x + y। इसे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करना है। अभी तक हम मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहाँ पर हमको मिनिमाइज करना है। ओके, और यहाँ पर आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, तो कैसे करोगे, इसमें कुछ अलग रूल है क्या? नहीं, सब कुछ सेम है। उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू देखते थे, इसमें हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, बस इतना ही करना है। चलिए, टेबल तो वही रहेगा, इन इक्वेशन इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट और रीजन। इन इक्वेशन लिखते हैं पहला वाला 5x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इन इक्वेशन लिखते हैं x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इक्वेशन लिखते हैं, पता है ना आपको क्या आएगा, 5x + y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर x + y इज इक्वल टू 3। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे अपॉन में 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी x + y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको मिटा देते हैं। और एक और बात सुन लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा 1 और y इंटरसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट्स 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x/3 + y/3 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x इंटरसेप्ट हो जाएगा 3 और y इंटरसेप्ट भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अभी हमको रीजन बताना है, मतलब शेडेड रीजन बताना है कि ओरिजिन साइड होगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड। तो क्या करेंगे हम, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 रखेंगे। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ओरिजिन साइड, और अगर फॉल्स हुआ तो नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो इसमें x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे भी 0 रखो, तो क्या हो जाएगा 5 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। बताइए क्या ये स्टेटमेंट राइट है, सही है क्या ये कंडीशन, 0 5 से कभी बड़ा होता है, नहीं होता है, ये तो फॉल्स है, फॉल्स हुआ तो नॉन ओरिजिन साइड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नॉन ओरिजिन साइड। अगला देखिएगा, देखिए यहां पर हमने 0 रखा, यहां पर भी 0, 0 + 0 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 0 कभी 3 से बड़ा होता है नहीं, 0 तो 3 से छोटा होता है, तो ये भी जो आपका कंडीशन है ये क्या है, फॉल्स है। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो ग्राफ बनाना है। चलिए फटाक से ग्राफ भी बना लेते हैं।
यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्केल भी लिखा है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा x इंटरसेप्ट क्या है 1, यानी वो जो लाइन होगी ना, इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो x को पॉइंट 1 पे इंटरसेक्ट करेगी, और y पे, y इंटरसेप्ट क्या है 5, यानी ये, ठीक है। तो हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, देखिए तो ये देखिए हमने ये लाइन खींच दी, इसका इक्वेशन लिख देते हैं 5x + y विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी हम ये वाले इक्वेशन का लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा x इंटरसेप्ट क्या है 3, y इंटरसेप्ट क्या है 3, यानी वो वाली लाइन क्या करेगी, x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस को इस पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, ये देखिए हमने ये लाइन खींच दी। अभी इसका इक्वेशन लिख देते हैं क्या है, x + y = 3, ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद हम लोग शेडेड रीजन देखेंगे। तो देखिए जो ये वाला लाइन है, पहला वाला, इस इक्वेशन का लाइन, इसका शेडेड रीजन किधर होगा, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, नॉन ओरिजिन साइड मतलब इधर की इधर, तो इधर, ठीक है, मतलब इस साइड, ठीक है। ये जो लाइन है इसका शेडेड रीजन इस तरफ होगा, ओके, इस तरीके से एरो बना दिया। उसके बाद जो दूसरी वाली लाइन है, यानी ये वाली लाइन, इसका शेडेड रीजन किधर होगा, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। नॉन ओरिजिन साइड का मतलब क्या, इस साइड, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये लाइन कहती है मैं इधर जाऊंगी, इस लाइन ने बोला मैं इधर जाऊंगी, तो कॉमन रीजन हमको क्या मिल रहा है, क्या हम इसको लेंगे। अगर इसको लिया तब तो यहाँ पे कोई भी लाइन आ ही नहीं रहा है, फिर अगर इसको लिया तो खाली एक ही लाइन आ रहा है, राइट। अगर इसको लिया, इसको लेंगे, देखो अगर हम ये वाला रीजन लेते हैं, दिस रीजन, तो यहाँ पर दोनों लाइंस के रीजन आ रहे हैं ना, दोनों लाइंस के शेडेड रीजन आ रहे हैं, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब फिजिबल रीजन, ओके। तो इस प्रकार से आप ना इसको शेड कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये बाउंडेड नहीं है। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए सब में क्या होता था, बाउंडेड रीजन हमको मिलता था इस प्रकार से, है ना, ये होता था या फिर ये होता था। और ये देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है जो इसको रोक सके, है ना, ये बाउंडेड रीजन नहीं है, ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिएगा, बराबर में होना चाहिए, एक बराबर में, मैं थोड़ा इसको मिटाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी इसके कॉर्नर पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिए, तो ये पहला पॉइंट, इसको नाम दे दीजिए ए, ठीक है, क्या नाम देंगे, ए। इसके कोएफिशिएंट्स, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, यानी 0, 5, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला पॉइंट है, इसको नाम देते हैं बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो ये तो हमको पता ही नहीं है, है ना, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, x, y लिख देते हैं। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा ये है, यहाँ पर देखिए इसको नाम देते हैं सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट बी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए The common shaded region कौन सा है, common shaded region नाम कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका y axis है ना, तो यहां से लो y a b c और x, ठीक है, इस तरीके से आप इसका नाम लिखना।
ओके, वाई ए बी सी और एक्स लिखते हैं, वाई ए बी सी और एक्स इज द फिजिबल रीजन. ये आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया, राइट. ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा इस तरीके से, ओके, विथ वर्टाइसेस. अभी वर्टाइसेस भी लिख देते हैं. ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0.5. उसके बाद बी तो हमको पता नहीं है, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 3.0. और बी हमको क्या करना पड़ेगा, तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर लिखते हैं बी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यह हमको निकालना पड़ेगा. तो अभी बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो ये जो पॉइंट बी है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये वाला लाइन, दूसरा ये वाला. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो चलिए करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइंस है, एक तो ये वाला, इसका इक्वेशन लिखते हैं 5x + y विच इज इक्वल टू 5. ओके, ये आपका इक्वेशन वन हो गया. दूसरा इक्वेशन ये वाला लिखते हैं x + y विच इज इक्वल टू 3. ओके, ये हो गया इक्वेशन टू. अभी हम क्या करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. अभी इसको आप रफ में सॉल्व कर लो. तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा 2, y कैंसिल हो जाएंगे, 5x - 1x क्या हो जाएगा, 4x, राइट. 4 को उधर ले लीजिए, x = 2/4, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2, मतलब 0.5. ओके, ये क्या है आपका, x का वैल्यू लिख देते हैं 0.5, y का वैल्यू क्या आएगा. तो एक काम करते हैं, ये वाले इक्वेशन में y का x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5 + y विच इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 - 0.5, माइनस करेंगे तो 2.5. ओके, तो यहाँ पर हमको b के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 0.5 and 2.5. ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से टेबल बना देंगे, आपको तो पता ही है. इसमें क्या लिखेंगे, वर्टाइसेस लिखते हैं x, y, और इसमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z = 7x + y, ठीक है. अभी वर्टाइसेस कौन कौन से हैं, तो a 0.5, फिर b 0.5 and 2.5, उसके बाद है c, क्या है c 3.0. ओके, अब वैल्यूज रखो. तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, यहाँ पे 5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 + 0 = 5 आएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे रखा 0.5, चलो रख करके देखते हैं, +2.5, 7 × 5 = 35, 3.5 + 2.5, 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 6, क्या आएगा, 6 आएगा. फिर यहाँ पर 7 × 3 = 21, है ना. तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, देखो हमें क्या करना है, जेड को मिनिमाइज करना है, ठीक है. हमें ये बताना है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि जेड, ये किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा, ठीक है. यानी यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, कम से कम वैल्यू देखना है. मैक्सिमाइज में हम क्या करते थे, बड़े से बड़ा नंबर देखते थे, यहाँ पर आपको छोटे से छोटा नंबर देखना है. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए, 5 है, 5 है ना. मतलब ये जो जेड है, ये किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा, तो पॉइंट ए पे. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 5. कौन से पॉइंट पे है ये,
यहाँ पर आपको लिखना चाहिए अकर्स एट विच पॉइंट, तो पॉइंट ए है ना, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू अगर 5 होगा तभी जेड क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है, इन सारे कंस्टेंट्स के होते हुए। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अगेन मिनिमाइज का ही ये प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, जेड को मिनिमाइज करना है और यहाँ पर आपको कुछ कंस्टेंट्स दिए गए हैं, तो प्रोसेस तो वही रहेगा, सबसे पहले टेबल बनाएंगे उसके बाद ग्राफ। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल तो ऑलरेडी मैंने बना करके रखा हुआ है ना, पहले वाले सम में बनाया था और अभी तक यही है, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना, अलग तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मिटाऊँ क्यों, वही वाला चल रहा है। पहला कॉलम इन इक्वेशन, दूसरा वाला इक्वेशन, तीसरा वाला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा इंटरसेप्ट, पांचवा रीजन, ठीक है। तो इन इक्वेशंस लिखते हैं, पहला इन इक्वेशन 2x + y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, दूसरा वाला 2x + 3y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तीसरा वाला, ये देखो तीसरा भी है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इक्वेशन लिखते हैं, तो 2x + y इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, राइट, फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, 7 है ना, तो हर एक टर्म को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x + y विच इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो 2 1 2 2 3 2 3 6, ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 5 10, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 3.5। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, x/3.5 + y/7 = 1, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 15 है, तो क्या करेंगे हम, हर एक टर्म को 15 से डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पर भी 15, तो 3 1 3 3 5 15, यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 7 14 2 5 10, यानी 7.5। तो यहाँ पर लिखते हैं x/7.5 + y/5 = 1, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट लिखते हैं, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3.5, y इंटरसेप्ट क्या होगा 7, ठीक है, देखो x के नीचे क्या है 3.5, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 3.5, और y के नीचे क्या है 7, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 7। अभी यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होगा 7.5 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 5, यहाँ पर इस तरीके से डैश। ओके, अभी हमको शेडेड रीजन बताना है, तो देखिए ये आपका पहला इन इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे आप 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, बताइए क्या ये ट्रू है, देखो 0 7 से बड़ा है, कभी ऐसा होता है नहीं, ये तो फॉल्स है, मतलब इसका शेडेड रीजन किधर होगा, तो नॉन ओरिजिन साइड, यहाँ पर लिख देंगे नॉन ओरिजिन साइड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 0 रखा, यहाँ पर 0, तो 0 0 0 ही आएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नॉन ओरिजिन साइड। अगला वाला देखिए, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं इसको 6 7 8। ओके, स्केल लिख देते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अभी हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो सबसे पहले ये वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, तो यहाँ पर देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या है 3.5, 3.5 मतलब क्या, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर, ठीक है, फिर y इंटरसेप्ट क्या है 7 7, यानी ये, तो एक लाइन हम खींच देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच देते हैं,
इक्वेशन लिख देते हैं इस लाइन का, 2x + y = 7। ठीक है, इसका शेडेड रीजन किधर होगा? नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इधर, ठीक है, इधर इस तरीके से हम एरो बना देते हैं जिससे हमको समझ में आएगा। पहले आप ना ये देख लिया करो कि ये ओरिजिन साइड जाएगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। ठीक है, पहले क्यों बोल रहे हो ऐसा करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आप और भी लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि कौन सा इक्वेशन का कौन सा वाला लाइन है, इसीलिए पहले ही देख लिया करो। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन है तो इसमें देखना एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 7.5। 7.5 मतलब क्या है, 7 और 8 के बीच में। फिर वाई इंटरसेप्ट है 5, मतलब ये, ठीक है। अभी चलिए हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी, इसका इक्वेशन लिख देते 2x + 3y = 15। 2x + 3y = 15। ओके, ये भी क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, यानी ये लाइन भी बोल रहा है कि मैं इधर ही जाऊंगी, ठीक है, इधर। उसके बाद ये तीसरा वाला है y = 2, यानी इस तरीके से देखिए यहां पर, यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने खींच दी। इसका नाम क्या है, मतलब इसका इक्वेशन है y = 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अभी ये वाली जो लाइन है इसका भी शेडेड रीजन किधर होगा, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ नहीं, इस तरफ गया तब तो ओरिजिन साइड हो जाएगा, नॉन ओरिजिन है ना, मतलब इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कॉमन शेडेड रीजन क्या होगा। कॉमन शेडेड रीजन मतलब तीनों लाइंस के शेडेड रीजन उसमें आने चाहिए, वो वाला पोर्शन हमको चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन बोलता है कि मैं इधर जाऊंगा, ये वाला लाइन ने बोला मैं इधर, और इस वाले लाइन ने बोला इधर, तो कॉमन शेडेड रीजन तो हमको यही मिल रहा है, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। तो चलिए यहाँ पर हम शेड कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सारी लाइंस को जल्दी जल्दी। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, फिजिबल रीजन, राइट। अभी हम कॉर्नर के पॉइंट्स लिख देते हैं, तो इसका नाम हम देते हैं ए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 7, राइट। फिर दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, तो एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा वाला यहाँ पर, ओके, इसको नाम दे देते हैं सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये भी हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ये वाला जो लाइन है इसमें y का वैल्यू क्या है, 2, मतलब हमको y का वैल्यू तो मिल गया है लेकिन x का वैल्यू नहीं मिला है। तो क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है ना इसके इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो आपका पॉइंट C है, ठीक है, पॉइंट जो सी है, यहाँ पर कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये वाला लाइन y = 2 और दूसरा ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें एक काम करो y का वैल्यू पुट करो 2। तो अगर मैं इसमें y का वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे y था मैंने 2 रखा है, 2x 3 2 6, फिर 2x 15 में से 6 गया 9, फिर x = 9, 2, 2, 4.5, 4.5, ओके। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 4.5, समझ में आया आपको, अच्छे से लिखते हैं, 4.5, 2, ओके, क्लियर है इतना।
अभी हमको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। आपको पता है कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कॉमन शेडेड रीजन। यहाँ पे कॉमन शेडेड रीजन क्या है, ये देखिए ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई ए बी सी कैसे नाम लिखेंगे ध्यान से देखिए, वाई ए बी सी। ओके, कॉमन शेडेड रीजन क्या है, वाई ए बी सी इज द, ये वाई है, इज द फिजिबल रीजन। यही क्या है आपका, फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस। अभी वर्टाइसेस लिख देते हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0.7, फिर उसके बाद क्या है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता तो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, उसके बाद सी, सी के कोऑर्डिनेट्स है 4.5 and 2, सी 4.5, 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ये जो आपका पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट बी है इस पॉइंट को कौन से दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला वाला ये लाइन, दूसरा वाला ये लाइन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब इन दोनों लाइन्स के इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज निकालेंगे, राइट। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन्स है, पहला ये, इसका इक्वेशन लिख दो 2x + y = 7 एंड दूसरा ये है ना 2x + 3y = 15। ओके, इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके नीचे लिखिएगा इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2, 2x + 3y = 15, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, अगर मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं लिखा होगा तो आप प्लीज़ ऐसे ही लिखना। सबसे पहले ये बताना कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर कौन सी दो लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड दूसरी लाइन, ये है। ठीक है, फिर ये वाला आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा। अभी इन दोनों को सॉल्व करिए और एक्स और वाई के वैल्यूज को फाइंड आउट करिए। तो डायरेक्टली हम करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो अलग से इसको सॉल्व कर दो। क्या करें, आपको कुछ समझ आ रहा है, देखो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा। 3y में से 1y को घटा देंगे तो 2y, और यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, y = 8/2 यानी 4, y का वैल्यू हमको क्या मिला, 4। अभी y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2x + y = 7, देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, किसी में भी रखो आपको आंसर तो सही मिलेगा, यहाँ पे 4 है, 4 को अभी उधर लिया तो 7 - 4 यानी कि 3, फिर 2 को उधर ले लेते हैं, 2 1 2 पॉइंट लगाया, 2 5 10 1.5, एक्स का वैल्यू हमको क्या मिला, 1.5। समझ में आया आपको, तो यहाँ पर हमको बी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 1.5 and 4। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। चलिए करते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्टाइसेस, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, x, y यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 8x + 10y। चलो पॉइंट ए लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के 0.7, फिर बी के 1.5 और 4, सी के हैं
सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर, ये देखो 4.5 और 2, 4.5, 2, ठीक है। अभी वैल्यूज रखते जाइए, तो यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू हम जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 8 0 0 हो जाएगा, और जब हम y के प्लेस पे 7 रखेंगे तो 10 7 से क्या हो जाएगा, 70, यहाँ पर लिख देते हैं 70, ठीक है। फिर अभी x के प्लेस पे 1.5 रखिए, तो 8 × 1.5 + 10 × y के प्लेस पे हमको क्या रखना है, 4 रखना है, तो यहाँ पे रख दिया 4, मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 = 40, 8 1 = 8 12, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 12 आ गया, यहाँ पर 10 4 = 40, अभी क्या आएगा यहाँ पे 52, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 52। अब उसके बाद x के प्लेस पे हमको 4.5 लिखना है, ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ 4.5, और y के प्लेस पे हमको 2 रखना है, ठीक है, तो 8 × 4.5 + 10 × 2, तो 10 2 = 20 हो जाएगा, 8 5 = 44, कैरी आ जाएगा, 8 4 = 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, 36 + 20 यहाँ पर हो जाएगा 56, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं 56। अब इसमें आप देखिए कि मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर है 52, मतलब ये जो आपका z है ये कौन से पॉइंट पे मिनिमाइज होगा, तो पॉइंट b पे, ठीक है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ फटाक से, यहाँ पर हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ, द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितना है 52, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पर लिखते हैं अकर्स एट पॉइंट b, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1.5 1.5 एंड 4 1.5 एंड 4, दैट इज x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, समझ में आया आपको, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, अभी इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको आप लिखिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको क्या करना है, z को मैक्सिमाइज करना है, और यहाँ पर आपको ये कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आप पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाना है, वही हमारा पुराना वाला टेबल, इन इक्वेशन, इक्वेशन, डबल इंटरसेप्ट, फॉर्म इंटरसेप्ट और रीजन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर इन इक्वेशन लिख लेते हैं, तो पहला इन इक्वेशन x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फिर दूसरा इन इक्वेशन ये रहा, लिख लीजिए इसको भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तीसरा इन इक्वेशन ये रहा 3x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इक्वेशन इसी को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, x + 2y इज इक्वल टू 3, x + 4y इज इक्वल टू 4, 3x + y इज इक्वल टू 3, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा x/3, यहाँ पर क्या होगा 2/3, तो 2 1 = 2 1.5, क्या आएगा यहाँ पे 1.5, ओके, तो y/1.5 और यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तो चलिए करते हैं, 4 से अभी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा y/1 में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सेम वही करना हमको, तो x/1 में कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स, 1 रहता है, यहाँ पर y/3, ये y है, इसको आप 4 मत समझना, ये y है और यहाँ पर 1, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा 3, y इंटरसेप्ट क्या होगा 1.5, ठीक है, इसमें देखिएगा x इंटरसेप्ट क्या होगा 4 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 1, यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा 1 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 3, समझ में आया ना आपको कैसे मैंने ये लिखा, देखिए x के नीचे क्या है 3, तो ये क्या हो गया x इंटरसेप्ट 3, फिर उसके बाद y के नीचे क्या है 1.5, तो यहाँ पर हमने लिखा y इंटरसेप्ट 1.5, उसी तरीके से यहाँ पे भी किया, ठीक है। अभी हमको रीजन बताना है कि शेडेड रीजन ओरिजिन साइड होगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं x के प्लेस पे 0,
y के प्लेस पे जीरो, ठीक है, पुट करते हैं, तो यहां पर रखा जीरो, यहां पर रखा जीरो, यहां पे आ जाएगा जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। बताइए क्या ये स्टेटमेंट राइट है? नहीं नहीं ये तो फॉल्स है, यानी यहां पर जो आपका शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड, यहां पर लिखते हैं नॉन ओरिजिन साइड, इसमें रखिए जीरो जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। क्या जीरो फोर से बड़ा होता है? फॉल्स है ये भी, तो क्या लिखेंगे, नॉन ओरिजिन साइड। नेक्स्ट जीरो जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, ये भी गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया? अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे। अभी इतने सारे सम्स आपने किए एक से लेकर के सात तक, ये सारे सम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये ग्राफ तो मतलब एक ग्राफ तो आप खुद से बना ही सकते हो। चलो आप बनाओ और मैं भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने स्केल भी लिख लिया है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 लिखना भूल गई थी मैं, 1 यूनिट, ठीक है। अभी हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन का लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3, यानी वो जो लाइन रहेगी ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इस इक्वेशन का लाइन, वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और y इंटरसेप्ट क्या है, 1.5 का मतलब क्या, यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम एक लाइन खींच देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई इस प्रकार से, इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी इसका शेडेड रीजन किधर होगा, नॉन ओरिजिन साइड, है ना, नॉन ओरिजिन साइड का मतलब क्या, इस साइड, देखिए मैंने एरो बना दिया, ओके। अभी हम लोग इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 4, मतलब ये वाला पॉइंट, और y इंटरसेप्ट क्या है, 1, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड, यानी कि इस साइड, मतलब ये वाला जो लाइन है इसका जो शेडेड रीजन है वो इसी साइड होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करते हैं, x इंटरसेप्ट कितना है, 1, और y इंटरसेप्ट कितना है, 3, ठीक है। तो अभी ये दोनों को ज्वाइन करते हुए हम लोग एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ये भी लाइन हमने खींच ली, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, ओके, समझ में आया आपको। अभी इसका जो शेडेड रीजन है वो किधर होगा, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इस साइड, ठीक है। अभी बताइए यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन शेडेड रीजन मतलब क्या, तीनों लाइंस के शेडेड रीजन उस पोर्शन में आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इस लाइन ने बोला इधर जाने के लिए, इसने बोला इधर जाने के लिए, और इसने भी बोला, ये वाले लाइन ने भी बोला इधर जाने के लिए, मतलब कॉमन पोर्शन हमको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। तो क्या करेंगे, हम इन सभी को मिटाते हैं और फटाक से यहाँ पर शेड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ये है हमारा फिजिबल रीजन, ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिजिबल रीजन। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखते हैं, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3, ये थोड़ा सा इसमें मैं मिटा करके लिख देती हूँ, ठीक है, वैसे आपको किनारे लिखना चाहिए,
जीरो कॉमा थ्री, ओके इस तरीके से भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया बी, तो इसको मिटा करके मैं लिख देती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है ना, फाइंड करने पड़ेंगे, तो एक्स और वाई लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट हमको मिल रहा है पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको नहीं पता है, तो एक्स और वाई लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में अभी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर एक और पॉइंट हमको मिला है, ये देखिए यहाँ पर, राइट, इसको हम लिखते हैं पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फोर, देखिए ये आपका पॉइंट फोर है, फोर कॉमा जीरो, ओके समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कॉमन शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, वाई ए बी सी डी, है ना, यहाँ पर लिखेंगे वाई ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो कॉमा थ्री। बी के हमें नहीं पता, एक्स और वाई लिख दिया। सी के भी कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई लिख देते हैं। उसके बाद डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा जीरो, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अभी जिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है वो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो देखिए ये है आपका पॉइंट बी। अभी इस पॉइंट बी पे कौन कौन सी लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक तो ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन्स हैं। पहली लाइन देखिएगा एकदम ध्यान से, इसमें गलती नहीं करना है, ये वाली लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, 3x + y = 3 एंड दूसरी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन हो गई, दूसरी वाली लाइन है ये वाली, देखिए ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं करना है, ओके इस इक्वेशन का लाइन क्या है, x + 2y = 3, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x + 2y = 3। अभी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अच्छा अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट्स तो सॉरी कोएफिशिएंट्स तो सेम नहीं है ना वेरिएबल्स के, तो हम क्या करते हैं यहीं पे सेम कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी हम 3 ला सकते हैं, है कि नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है ना इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 होगा। पहले हम इसको लिखते हैं 3x + y = 3, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं x + 2y = 3, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x + 3 2 6y = 3 3 9, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कैसे किया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्स और वाई के वैल्यूज निकालेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, डायरेक्ट करते हैं, 9 में से 3 गया 6, 6y - y 5y आ जाएगा, और 3 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, y = 6/5, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो तो 5 1 5 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 2 10 1.2 y का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पर लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमको y का वैल्यू क्या मिला, 1.2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में y का वैल्यू ये पुट करेंगे 1.2, ठीक है, तो चलिए करते हैं 3x + 1.2 = 3, ये वाला इक्वेशन लिया हमने। अब 1.2 को उधर लेते हैं तो 3 - 1.2, फिर यहाँ पर 3 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1.8, क्या आएगा 1.8, फिर 3 को उधर ले लेते हैं। अच्छा एक काम करते, सुनिए, यहाँ पर हमको क्या मिला था, 6/5 मिला था ना, तो यहाँ पर 6/5 लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में लेकर के ही इसको सॉल्व करते हैं, 6/5 = 3, ठीक है। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को उधर ले लेते हैं,
सिक्स ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5 3 15 माइनस 6 अपॉन 5, फिर 15 माइनस 6 क्या तो 9 अपॉन 5, 3 को उधर ले लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी अपॉन में इस तरीके से, ठीक है। 3 1 3 3 3 9 क्या आ गया यहाँ पे 3 अपॉन 5। अब इसको कैंसिल करो तो 0.6 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, 0.6, ठीक है, क्लियर है आपको, इतना समझ में आ रहा है। देखो क्या मिलेगा हमको, 0.6 और y का वैल्यू 1.2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयर फॉर बी 0.6, 1.2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे एंड सी इज द, सी इज द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन्स है एक बार देखिए, चलिए देखते हैं। ये आपका पॉइंट सी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, एंड ये वाला इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इक्वेशन 1 x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 3 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, और ये वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 4, x प्लस 4 वाई विच इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अभी हम क्या करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या करें इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 4 में से 2 गया 2 वाई, यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर y इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5। देखिए जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, अभी x का वैल्यू मिलेगा बाद में, पहले y का वैल्यू लिख लेते हैं 0.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन में y के वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या इक्वेशन x प्लस 2 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे क्या रखें, चलो 0.5 रख देते हैं, इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 5 10, यानी 1.03, 1 को उधर ले लीजिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब 2, x का वैल्यू हमको क्या मिला 2 मिला, यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है, समझ में आया आपको इतना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या क्या मिले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिले हैं 2 और 0.5, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब लास्ट में क्या करना है वो तो आपको पता होगा, क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उसमें सारे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको रखना है, फिर ये सारे वैल्यूज को इस जेड में पुट करना है ना, फिर जेड का आपको वैल्यू निकालना है, उनमें से सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो चलिए फटाक से करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर देखो वर्टाइसेस लिखा ABCD और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने क्या लिखा है 6x प्लस 21y, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 2y है, तो वो करेक्शन है, आप प्लीज उसको ठीक करना, 2y के प्लेस पे क्या लिखोगे 21y लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप ये लेकर के सॉल्व करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है ना वो कब मैच करेगा, जब आप यहाँ पे 21 लोगे तभी, ठीक है, तो इसको सही करना, और फिर आगे क्या करना है, वैल्यूज रखना है, और आपको जब इसमें वैल्यूज रखते जाओगे तब यहाँ पे आपको 63 मिल रहा है, यहाँ पे 28.8, यहाँ पर 22.5, यहाँ पर क्या मिल रहा है 24, तो सबसे छोटा इसमें से क्या है 22.5, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 22.5, जो कौन से पॉइंट पे मिल रहा है हमको, पॉइंट सी पे 2, 0.5, यानी एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 0.5, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, ओके। इसमें क्या करेक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 21y, 2y नहीं 21y, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, सबके सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवा के दिए हैं, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। आपको क्या करना है, देखो
पहले बाउंडेड वाला का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिर अनबाउंडेड का, मतलब बाउंडेड वाले 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इसके 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका ये जो 6.2 है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने मैथ पार्ट 2 का लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है, बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैथ पार्ट 1 में भी 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उनको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।